यदि हम भगत सिंह का माहौल देखें क्या है, जैसे अरुण जी बता रहे थे, एक तो वैसे ही पंजाब है, पंजाब में तो आप जानते हो कि गुरुओं की धरती है, और अपनी सच्चाई के लिए, शासकीय अत्याचारों के लिए, उसके खिलाफ कितने गुरु शहीद हुए। गुरु गोविंद सिंह का तो उदाहरण अद्भुत है, अपने पिता भी, खुद भी, बेटे भी, चार चार पीढ़ियां जिसकी ऐसे शहीद हुई हो उसी इलाके में, उसी क्षेत्र में, और किस बात के लिए शहीद हुई हुई, तो अपनी सच्चाई के लिए, अपनी बात के लिए, अपने हकों के लिए। और गुरु गोविंद सिंह को आप जानते हो, अभी 13 अप्रैल आएगा खालसा, बैसाखी की, ये जो ऊंच नीच है, जो जातियां बना रखी हैं, जो अस्पृश्यता है, भेदभाव है, ये कुछ नहीं है, सारे के सारे इकट्ठे। इसीलिए उसकी सेना में सारे ज्यादातर कौन लोग जुड़े हुए थे, गुरु गोविंद सिंह की सेना में कौन लोग थे, तो उस जगह से कनेक्शन है भगत सिंह का। गुरु नानक जैसे सच्चाई के पूरी दुनिया में घूम घूम के ज्ञान लेने वाले, जहाँ जहाँ भी धर्म गुरु हुए या बड़े बड़े धर्मों के संचालक हुए, चाहे मक्का मदीना हो, बगदाद, चाहे महात्मा बुद्ध हो, चाहे वो मानसरोवर हो, चाहे बनारस हो, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने जहाँ नहीं गए हो। जो ये कहते थे कि भाई कहाँ हमारे पास सच्चाई का रास्ता है और हमारे पास नॉलेज की पुड़िया है, तो उन सबके साथ उन्होंने डिबेट की, संवाद किया, वाद विवाद किया, और उन सब के निचोड़ के तौर पे एक बात शुरू की, और वो धीरे धीरे देख लीजिए एक धर्म ही बन गया, और उसी लाइन में ये सब लोग आने लगे आके जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो विचार, वो सब चीज़ें भगत सिंह के पंजाब के इलाके में, वो चीज़ें गूंजती हैं आज भी। आज भी उनके किस्से स्टेज पे, स्कूलों में, गीतों में, घोड़ियों में, शादियों में, गृह प्रवेश पे गाए जाते हैं, वहाँ डीजे नहीं बजते। वहां पे जिस समाज के अंदर अट जाता वो पाछा न चलेगा, या कुछ और तो नए आ गए होंगे बहुत सारे, तो पुराना हो गया। तो उस समाज में और जिस समाज के अंदर ये किस्से, कहानियां, बातें इस तरह की चलेंगी, तो उस समाज में ऐसी बात होती है। फिर जो उनका अपना परिवार है, यदि आप परिवार देखें भगत सिंह का, कि उसके पिता, उसके दादा, उसके चाचा, उनकी शादियां उनके चाचाओं की, मतलब अलग अलग इलाकों से शादियां, और जिसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। जो चार भाई थे ना इसके पिता के, यानी कि चार भाई थे, उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे कि भी किस किस तरीके से, क्या वो खुद भी जेल में शामिल थे, या भगत सिंह अलग से ही बगावत कर गए थे, या कोई धीरे 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 डेवलपमेंट हो रही थी कि अपने आप ही भगत सिंह तो बनना ही था उस परिवार में, कि जिस तरीके की बातें चल रही थी। और इसलिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जो महेंद्र जी कह रहे थे कि कोई भगत सिंह नहीं बनना चाहता, भगत सिंह तो खुद भगत सिंह भी नहीं बनना चाहते थे। कोई बनता थोड़ी है, कोई सोच के थोड़ी पैदा होता है कि मुझे ये बनना है, माहौल मिलता है, बंदे बन जाते हैं। यदि माहौल ही नहीं मिलेगा, यदि हम अपने घर में, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में माहौल ही नहीं होगा, तो क्या आप सोचते हो भगत सिंह बनेगा? नहीं बन सकता। यदि जो इसलिए एनवायरनमेंट को ठीक करना, हमारे आसपास के माहौल को ठीक करना, वो एक जरूरी हो जाता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे आसपास के लोग कुछ इस तरह से बनते हैं, तो उसके लिए हमें माहौल देना पड़ता है। मुर्गी भी अंडे के ऊपर बैठती है तब उसमें से बच्चा पैदा होता है। एक खास एनवायरनमेंट में ही चीज़ें बनती होती हैं, तो जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं है तो चीज़ें कैसे बनेंगी? आपकी इच्छा है, माहौल नहीं है। तो उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि वो इतने बड़े व्यक्ति बनेंगे कि पाकिस्तान में भी, भारत में भी सबसे ज़्यादा आदर के साथ जो नाम लिया जाता है, चाहे दो देश दुश्मनों के तौर पे पेश किए जाते हैं राजनीतिक तौर पे, लेकिन आप पाकिस्तान में देखना क्या होगा आज, उनकी शहादत दिवस के ऊपर किस तरह से गली गली के अंदर जुलूस निकलेंगे, चौक के ऊपर शाम को गोष्ठियां होंगी, और कैसे वहां के जो जैसे पंजाब के सिंगर है ना, ऐसे पाकिस्तान के सिंगर भगत सिंह के गीत गाएंगे।
यदि ऐसा व्यक्ति जो कभी बूढ़ा तो होगा नहीं भगत सिंह, आपको पता है इसकी तो मूछें ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि इसने अपनी जो, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा, इसीलिए नौजवान लोग यहाँ टी शर्ट के ऊपर नाम छपवा के और करके नाम लिख के किसी भी तरह से कनेक्ट करना चाहते हैं। हाँ, फोटो की अपनी एक महत्व होता है मेरे जैसा मैं सोचता हूँ, लेकिन यदि वो विचार भी जुड़ जाए, उस विचार को भी हम उसके साथ धारण कर लें, तो बस हमारी ज़िंदगी का कांटा बदल गया समझिए, जैसे गाड़ी इधर जा रही थी इधर शुरू हो गई। मतलब गाड़ी ने तो ट्रैक पे ही दौड़ना होता है, ऐसे थोड़ी भाग लेगी अपनी मर्जी से, तो उसको ट्रैक तो देना पड़ेगा ना, पटरी बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो ये भगत सिंह की ज़िंदगी यदि आप देखोगे, और जैसे अक्सर राम बड़े लोगों के बारे में इसी तरह की बातें की जाती हैं कि वो तो जामदेई बहुत क्रांतिकारी थे, है ना, क्योंकि उनके परिवार में माहौल था, इसीलिए वो जब छोटे थे तो वो जलियांवाला बाग वहाँ चले गए। कितने थे वो, 1908 में पैदा हुए और 1919 में जलियांवाला बाग की घटना हुई, आपको सबको पता है वो नरसंहार, कितने कितना साल का फर्क, छोटा बच्चा, क्योंकि परिवार में माहौल है, क्योंकि परिवार में माहौल है, घर से भाग के आए थे जलियांवाला बाग, किसी को पता नहीं था, और जब वापस गए लेट हो गए, तो उनकी सिस्टर को उन्होंने कहा कि मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्या? वो वहाँ से मिट्टी लेकर के गए, और वो मिट्टी जो है, मतलब यदि आप भगत सिंह के फैमिली से किसी उस मिट्टी की कहानी सुनेंगे तो आप रो ही पड़ेंगे। तो ऐसे बिल्कुल एक हर एक बच्चे के मन में ऐसा नरसंहार देख करके, ऐसा अत्याचार देख करके, ऐसे बलबले तो उठते हैं। जब भी घरों में पति या बाप अपनी माओं को, अपनी पत्नियों को पीटते हैं, तो बच्चों को आपने देखा है ना किस तरफ होते हैं, हमेशा वो अन्याय के खिलाफ, ये एक सेंस है बच्चों के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर इतनी तो जानकारी है कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। यदि वो कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम वो तिलमिलाता रहता, कुड़ता रहता, आपने देखा होगा। तो वही भावना जो है बच्चे के अंदर भगत सिंह के अंदर भी थी, लेकिन उस भावना को रोका नहीं गया कि ना ना ना, अन्याय के खिलाफ बोलना नहीं है, ये नहीं कहा गया, तन्ने क्या लेना मित्र बैठ, जैसे हम सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, यही तो सिखाते हैं कि तन्ने पंगा नहीं लेना, मरने वाले मरण दे, हैं तेरे साथ तो नहीं होया, कल ना तेरे साथ भी हो जाएगा, फिर इसमें क्या बड़ी बात है कि भाई आप सोचते हो कि इसका हो गया तो मेरे नहीं होगा, होगा ये तो। अन्याय भी कोरोना की तरह फैलता है क्या, ये भी एक छूत की बीमारी है कि इस समाज पे हो रहा है, यदि इस समाज पे नहीं रोका गया तो अगले पे क्यों होना ही होना है। तो इसलिए मतलब ये सिर्फ इस यदि उसका रोकोगे आप तो आप रुकोगे, आप ये ना सोचना कि भी मेरे पे आएगा तब मैं पहलवान बन जाऊंगा या मैं रोक नहीं। तो ये भगत सिंह के अंदर भी ये जज्बा उस फैमिली से, उस परिवार के, उनसे, जैसे अरुण जी बता रहे थे आप उनके चाचा सरदार अजीत सिंह, आपने नाम सुना होगा, कितने साल तक निर्वासित रहे वो, 1908 के आसपास, यानी कि जब ये पैदा हुए भगत सिंह, वो तब निकले थे और 1947 को ही आए थे। चांस की बात है, ईरान यहां वहां कहां नहीं रहे वो, सारी जिंदगी भटकते रहे, सारी जिंदगी भटकते रहे। किस बात के लिए भटकते रहे, उनकी अभी एक आत्मकथा आई है सरदार अजीत सिंह की, जो उन्होंने लिखी कि वो कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, छोटी सी पीस है, ज़्यादा बड़ी मोटी किताब नहीं है। तो वो यानी कि इस तरीके से, और आप सोच सकते हैं कि भाई सरदार अजीत सिंह की पत्नी, आप सिर्फ ने आपने सुना होगा कि भी एक राम था, उसका भाई लक्ष्मण था, वो जंगल में गया तो वो भी साथ चला गया, उसकी पत्नी का क्या बना, कदे अजीत सिंह की पत्नी का क्या बना, इसके बारे में भी सवाल पूछ लिए कि जब वो ये जो क्रांतिकारी थे, कि जब ये इस तरह के कष्ट सहन कर रहे थे तो उनके परिवारों का ख्याल किसने कराया था कि नहीं कराया था, किन कष्टों में वो रहे थे,
तो वो परिवार का एक पूरा माहौल उसको याद करने की जरूरत होती है जब हम भगत सिंह की बात करते हैं। और भगत सिंह कोई अकेला नहीं है। देखिए, जब पंजाब के अंदर 20 25 30 साल पहले एक मूर्ति स्थापित की गई, बड़ा फंक्शन हुआ था सरकारी, तो अकेले भगत सिंह की फोटो लगी थी और उसकी माँ ने जो है उसका विमोचन किया था सरकारी उसके ऊपर। तो उन्होंने ये कहा था कि भगत सिंह तो ना अपने साथियों के साथ अच्छा लगता है, समझ रहे हो, कि ये कल्ला नहीं अच्छा लगता। भगत सिंह की माँ, कि वो सारे उनके बेटे थे। यदि आप भगत सिंह की आपने फिल्में तो बहुत सारी बनी है, उसमें बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी, कि उनका जो परिवार है, कि किस तरह से ये नौजवान जो लाहौर में पढ़ते थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो कैसे उनका परिवार, उनका गांव, उनका उस उनका हिस्सा बन गए थे। जैसे सारे इतने सारे दोस्त थे, वो कोई सोच के थोड़ी आए थे कि क्रांतिकारी बनना है कॉलेज में, कि किस कॉलेज के अंदर हमने एडमिशन लेना है, वहाँ को क्या होगा। मिल गए सारे इधर उधर से, मिल गए और देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में चीज़ें। तो इनकी ज़िंदगी बहुत इंटरेस्टिंग ज़िंदगी है। अब भगत सिंह ऐसे नहीं थे कि भाई हम भगत सिंह के बारे में या किसी भी बड़े व्यक्ति के बारे में ना बात करते हैं बहुत ही गंभीर रहा होगा, हंसता ही नहीं होगा है, और सारा दिन पढ़ता ही रहता होगा, मनोरंजन तो करता ही नहीं होगा, या उस तरह की शरारतें तो बिल्कुल ही नहीं करता होगा जो साधारण आदमी लोग क्या करते हैं। नहीं, वो बिल्कुल ही साधारण बंदा था। उसी तरह की शरारतें, उसी तरह के मजाक और चुटकुले, उसी तरह से अपने दोस्तों के साथ ऐसे, मतलब कबड्डी खेलना, मतलब जैसे तय कि किसी की खाट उलट दी, किसी के कपड़े उधर या तो दूसरी जगह धर दिए, समझ रहे हो, कि यानी कि एक साधारण व्यक्ति जैसे साधारण लोग होते हैं, उसकी जो असाधारणता है उसकी सोच में, उसके विचार में, उसके ख्याल की बिजली जो वो कह रहा है उसमें है। वो इस रूप में असाधारण नहीं है, वो इस रूप में हमारे से या साधारण लोगों से अलग नहीं है कि वो अलग तरह के कपड़े डालते थे, कि वो अलग अलग तरह से ही रहते थे, किसी से बात नहीं, नहीं, नहीं। बिल्कुल साधारण बंदों की तरह नीचे लेट गए, बैठ गए, चल दिए, जो मिला खा लिया, जिस तरह बच्चे स्कूल में टिफिन चुरा कर खा ले, इसकी रोटी काट कर खा ली, मतलब है। ये यदि आप उनके ये पढ़ोगे तो उनके जो दोस्त हैं, जो उनके साथी थे, शिव वर्मा, उन्होंने एक किताब लिखी, आप जरूर पढ़ना, जो जो मतलब जीवन बहुत लंबा है और मैं चाहता हूँ कि आप 100-200 साल जिए, तो वो किताब जरूर पढ़ना। उसका नाम है संस्मृतियाँ। क्या? संस्मृतियाँ। इसको नोट कर लेना आप ले लेना, मतलब बहुत सस्ती किताब है, एक डोसे में आ जाएगी, 50 रुपए की किताब है संस्मृतियाँ। उसमें उन्होंने, शिव वर्मा ने, उन लोगों के बारे में लिखा है जिनकी इस मुकदमे में सजा हुई थी किसी भी रूप में, कि वो कैसे थे, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक शिव वर्मा जिंदा रहे, बाद में भी जिंदा रहे, अभी 2000 के आसपास ही उनकी मृत्यु हुई है, बाद समय तक भी जिंदा रहे। इन क्रांतिकारियों में शायद वो सबसे लेट तक पंडित किशोरीदास और ये दो लोग ज़्यादा समय तक बचे हुए थे हमारे पास। तो उन्होंने बहुत सारा लिखा है अपने साथियों के बारे में। उन्होंने वो बहुत ही साधारण बातें बताई हैं, जो साथ रहते थे तो वो क्या क्या करते थे। इसलिए वो भगत सिंह जब उनको पढ़ते हैं तो वो और भी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो हमारे जैसा ही है ना, एलियन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से दूसरी दुनिया का ही बंदा था, हम तो भगत सिंह बन ही नहीं सकते, हम तो ऐसा सोच ही नहीं सकते, ऐसा तो कोई भगत सिंह जैसा ही सोच सकता है। भगत सिंह ऐसे ही थे, वो भगत सिंह जैसा कोई अलग से ब्रांड नहीं आता, वो साधारण ही थे। बस उनकी सोच वो थी
जिसने उनको भगत सिंह बनाया। वो सोच क्या थी जो मैं इंद्रजी ने गीत सुनाया ना कि भाई जिंदगी आंसुओं से नहाई ना हो, कि हमारी जिंदगी में आंसू आंसू ना हो। आंसू आपने पता ही कब आ, कब पीड़ा में निकलते हैं। ये जिंदगी में सारी तकलीफें ही होंगी, ये ना हो कि भी एक पे तो मखमली हो दूसरे पे चटाई भी ना हो। एक तरफ तो दौलत के ढेर लग रहे हो और एक तरफ खाने रोटी भी ना हो, बेचारा बिल्कुल ही दैब इस हालत में पहुंच जाए, ये ना हो। इसलिए बस इसी सोच के कारण वो अलग थे। ये उनकी असाधारणता इस बात में है कि जब भी हम भगत सिंह या उनके साथियों की जीवन, उनके विचार, उस चीज को देखें तो उनको ना जैसे कहते हैं पहले अपना बनाओ। क्या वो तो अपने हैं ही, हमने ही एक धारणा बनाई कि बना रखी है बहुत सारे लोगों ने कि वो अलग ही होंगे, अलग तरीके से होंगे। भगत सिंह के पास जिस तरह आप मंदिर में जाओ ना या गुरुद्वारे में किसी में जाओ, पहला जूते काट लेंगे फिर कुछ करेंगे भाई, जैसे कुछ अलग सा करना है ना जो अपन रूटीन में नहीं करते। ना ना ना, जो हम चीज रूटीन में नहीं करते वो हमारी रूटीन में कभी आ ही नहीं सकती, सीधी बात है। जो चीज हम रूटीन में करते हैं, सामान्य जीवन में करते हैं, यदि वही हमारा हो जाए तो समझ लो बन गया भगत सिंह। ये थोड़ी है कि भी विचार का टाइम नहीं आ रहा है और काम का टाइम नहीं आ रहा है, व्यापार का टाइम नहीं आ रहा है कि यहाँ हनुमान की मूर्ति लगा कर टाली भी बजा दी, धूप बत्ती भी ला दी और थोड़ी देर बैठ के फिर जो है बेईमानी भी शुरू कर दी, मिलावट भी शुरू कर दी, झूठ भी शुरू कर दी। ये नहीं चल रहा, इसकी जरूरत ही नहीं बत्ती लाने की यदि आपने करने ही नहीं ये काम। तो ये जो वो ये यदि हमारी रूटीन जिसको हम बोलते हैं, दिनचर्या बोलते हैं, जीवनचर्या बोलते हैं, काम बोलते हैं, यदि वो वैसा ही हो जाए तो बस भगत सिंह यही है कि उनके देखने के तरीके में, जीने के तरीके में, बातचीत के तरीके में ये विचार इतना गहरा बैठ गया था कि जिंदगी आंसुओं से नहाई ना हो, ये करना है बस। मेरे को तकलीफ होती है तो इसको भी होती होगी, उसको भी होती होगी, तो सबकी तकलीफ का इलाज करने निकले कि कुछ ऐसा करूं ये शोषण समाप्त हो जाए।